अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। 2024 चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी का ऐलान हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने जारी कर दी है सीडब्ल्यूसी की लिस्ट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 39 नेता शामिल हैं, जिनमें प्रमुख नाम जो है हम आपको बता देते हैं, सचिन पायलट हैं, शशि थरूर का नाम है, महाराष्ट्र से बात करें तो अशोक चव्हाण हैं, दीपक बाबरिया को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं गौरव गोगोई इस वक्त का जो चर्चित नाम थे, जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, असम के कलियाबोर से सांसद हैं, गौरव गोगोई का नाम है। उनके साथ ही साथ नासिर हुसैन को भी सीडब्ल्यूसी में शामिल किया गया है। दीपा दास को भी सीडब्ल्यूसी में जगह मिली है। तो ये हम कुछ आपको प्रमुख नाम बता रहे हैं, लेकिन कुल 39 नेता ऐसे हैं जिनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया है। और 2024 के लिहाज से ये जो सीडब्ल्यूसी की लिस्ट आई है काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र, ये जो 39 लोगों की लिस्ट आई है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका ख्याल रखा गया है और किस तरीके से ये लोग अब काम करेंगे 2024 के लिए? देखिए, सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि कांग्रेस में फैसले लेने वाली सबसे बड़ी कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, और नए अध्यक्ष के चयन के बाद नए अध्यक्ष जो है वो अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अपनी कमेटी का ऐलान करते हैं। फरवरी में रायपुर में कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया था और तब से ही इंतजार किया जा रहा था। लंबे इंतजार के बाद तकरीबन 6 महीने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम का ऐलान किया है। कांग्रेस संविधान में एक संशोधन किया गया था और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो पहले जहां 24 लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होते थे, इस बार 39 नाम हैं। ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन चूंकि संख्या बढ़ गई है, पहले से ज्यादा संख्या 24 से 39 हो गई है, ऐसे में कई नए चेहरे जो हैं उनका नाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी में देखने को मिल रहा है। सबसे अहम चेहरों में शशि थरूर हैं, जिन्होंने खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा था अध्यक्ष का। सचिन पायलट हैं, युवा चेहरा है। इसके अलावा गौरव गोगोई, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री असम के रहे, उनके बेटे हैं और पूर्वोत्तर से कांग्रेस का युवा चेहरा है, फिलहाल लोकसभा में उपनेता है कांग्रेस के। तो ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पहली बार नजर आने वाले हैं। कुछ चेहरों की वापसी हुई है, जिनमें दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से कद्दावर कांग्रेस नेता है, उनका नाम अहम है। और इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं और कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में जो नाम है वो काफी दिलचस्प है। पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा, ये जो नेताओं की कांग्रेस की फौज है, जो टीवी पे लगातार पार्टी को डिफेंड करती रही है, उन्हें अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। तो पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर के मिजोरम, मणिपुर तक के जो वरिष्ठ नेता होते हैं पार्टी के और युवा नेता होते हैं, बिल्कुल वर्तमान नेतृत्व आने वाला नेतृत्व, प्रतिनिधित्व का बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। जयनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।